दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि सर, मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी या फिर इंग्लिश कैसे करते हैं, कैसे मूवीज का क्लिप लेते हैं और कैसे पूरा प्रोसेस है, कैसे हम वॉइस ओवर देते हैं। तो इस वीडियो को मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि मैं आपको बहुत आसान तरीका बता सकूं कि कैसे इसको कंप्लीट करना। आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे मूवीज हैं और उनका एक्सप्लेनेशन है और व्यूज बहुत ही ज्यादा है, मिलियंस में व्यूज है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 वीक पहले ही डाला गया है 12 मिलियन व्यूज और इस क्यूड गेम का ये एक्सप्लेनेशन है। उसी तरह आप देख सकते हैं 14 आवर्स अगो डाला गया है 151K व्यूज और ये सारे मूवीज जो है इसमें सिर्फ वॉइस ओवर देना है। और कहां से आप मूवी का सीन लेंगे वो मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है और इसमें मैं 2-3 तरीके बताऊंगा। बट आज का वीडियो एक सिंपल तरीके से स्टार्ट होगा, तो चलिए इसको सीखते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज विजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल सेम सॉल्व, लर्न बिफोर इंप्लीमेंट। तो आज के वीडियो में लेकर आया हूं कि कैसे आप मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे, या तो हिंदी में या फिर आप इंग्लिश में भी जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, कहां से आप वीडियो लाएंगे, प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, एक एक स्टेप सिखाने वाला हूं। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरा देखें शुरू से अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको मनी मेकिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन हिट करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन चला कि हमने कौन सा नया वीडियो डाला है मनी अर्निंग से रिलेटेड। और अगर आप ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं तो हमारा 3-डे वर्कशॉप, जी हाँ 3-डे वर्कशॉप एफिलिएट मार्केटिंग का बिल्कुल फ्री है। उसमें बताया जाता है कैसे आप ऑनलाइन मनी जनरेट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। वहां पे आपको ना वेबसाइट चाहिए, ना आपका प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए और मनी अर्न कीजिए। उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आज ही साइन अप करें और 3 डे में कंप्लीट सीखें कैसे ऑनलाइन मनी जनरेट किया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो चलिए मैं लैपटॉप पे जाता हूं, आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं कि कैसे आप मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएंगे और उससे पैसे जनरेट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों, मैं लैपटॉप पे हूं और चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको YouTube पे जाना है और सर्च करना है मूवी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। चलिए इस पे मैं चला जाता हूं और आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे मूवीज आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चैनल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें व्यूज देखेंगे तो बहुत सारे व्यूज हैं। तो ये कैसे होता है, कैसे वो शुरू से अंत तक मूवीज को दिखाते हैं 10 मिनट में और उस पर अपना वॉइस ओवर देते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, आपको करना है क्रिएटिव कॉमन्स। जी हाँ, ये सबसे आसान तरीका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिव कॉमन्स करते ही आपके पास बहुत सारे मूवीज के रिव्यूज आ जाते हैं। अब क्रिएटिव कॉमन्स क्या होता है, आपको उस दिन भी मैंने समझाया था कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं। बट क्रिएटिव कॉमन्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस पर जाना है, उसको ओपन कर लेना है, उस मूवी को, उस वीडियो को, और उसका लाइसेंस देखना है कि उसमें क्या लिखा है। चलिए वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं म्यूट कर देता हूं और नीचे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स क्या है, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड। जी हाँ, आप इसको रीयूज कर सकते हैं, मतलब कि आपको अपना वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो आपके पास मूवी ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करना है और इसके ऊपर अपना वॉइस ओवर देना है, पूरे मूवी का एक्सप्लेनेशन देना है। तो आप इसको देख सकते हैं कितने मिनट का एक्सप्लेनेशन है, ये 8 मिनट का है। 8 मिनट में आप इस मूवी को समझ सकते हैं और क्या इसमें एक्सप्लेन करना है वो भी जान सकते हैं। तो आप अपना खुद का एक स्क्रिप्ट तैयार करके अपना वॉइस ओवर दे सकते हैं बहुत आसानी से। और इस क्लिप को, जी हाँ, सेम टू सेम क्लिप को आपको लेना है और सिर्फ उनका वॉइस हटा देना है और अपना वॉइस लगा देना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो कैसे करना है चलिए वो सीखते हैं। बट उससे पहले चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या पोटेंशियल है इस तरह के चैनल को बनाने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चैनल्स आ रहे हैं वो है टेल्स, आईमैक्स एक्सप्लेन्ड, टेल्स आईमैक्स एक्सप्लेन्ड, और भी आपको चैनल्स मिल जाएंगे। आप नीचे जाते जाएंगे आपके पास बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे, ठीक है। और उन्हीं में से एक चैनल मैंने निकाला है जो कि है गॉड ऑफ रोमांस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज कितने हैं,
30 डेज में 4.15 मिलियन व्यूज है, ठीक है, और सिर्फ 9 वीडियो इन्होंने डाला है, 4.15 मिलियन व्यूज है, और टोटल व्यूज कितना है 18 मिलियन। और कब का ये चैनल है चलिए वो भी देख लेते हैं, ये जुलाई, ये पुराना चैनल है बट इसमें वीडियोस कब से पोस्ट हो रहे हैं, मूवीज वाले, वो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करके देख लेते हैं, ओल्डेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर अगो, 1 साल पहले इन्होंने डाला है पहला, मतलब कि 1 साल पुराना ये चैनल है और 1 साल में इन्होंने कितना व्यू गेन कर लिया है, 18 मिलियन व्यूज और 141 वीडियो ही डाले गए हैं। अब इसका अगर हम अर्निंग पोटेंशियल देखें तो इनका अर्निंग पोटेंशियल है 1.1K, अगर मिनिमम भी मान के चलते हैं तो आप महीने का 1 लाख रुपए बना सकते हैं इस तरह के चैनल बना के, तो इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। और आप रियूज कंटेंट को यूज कर सकते हैं, वहां पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आप वॉइस ओवर अपना देंगे। तो ये पहला तरीका है जिसको आप बहुत आसानी से यूज करके इस तरह के वीडियोस बना सकते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी आपका वीडियो है उसको ले लेना है और उसको डाउनलोड कर लेना है y2mate.com से, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना वीडियो ढूंढ लेना है जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड रीयूज कंटेंट या फिर कोई भी वीडियो आप जो देखें बहुत ज्यादा सर्च पोटेंशियल है, जैसे कि यहाँ पे मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी मैंने किया और जिसमें बहुत ज्यादा व्यूज हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2.3 मिलियन व्यूज, ये वीडियो आप ले सकते हैं, कोई भी वीडियो आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, आप सुन सकते हैं क्या मूवी और उस हिसाब से अपना स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं हिंदी में और वॉइस ओवर दे सकते हैं मोबाइल में, ठीक है। तो ये कोई भी ले सकते हैं, आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, जो बना हुआ है उसी को लें और आसानी से काम करें, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो रियूज दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो जो मूवीज है उसको लें और उसका बनाएं और फिर आप जब ये प्रोसेस सीख जाएंगे तो आप खुद का भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप Y2Mate में चले गए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप HD क्वालिटी का डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ 71 MB है, तो इसको डाउनलोड कर ले और जो स्टार्टिंग है उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जो एंड में उन्होंने डाला होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड वीडियो, चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये स्मॉल टाउन 2020 हमारा डाउनलोड हो गया है, ठीक है, ये वीडियो हमने डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसे एडिट करना है। एडिट करने से पहले आप क्या करेंगे, वॉइस ओवर बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को पूरा सुन लेना है कि क्या पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप उसका वॉइस ओवर बना लें, ठीक है। तो आप जाएंगे या तो आप एडिट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं openshot.org, ये एडिटर है ऑनलाइन, इसको आप डाउनलोड कर लें और इसको यूज करें, या फिर आप यूज कर सकते हैं DaVinci Resolve, जी हाँ ये मैंने पहले ही बताया था DaVinci Resolve, ये भी आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जिस तरह से एडिट काम करता है सारे में वैसे ही एडिट काम करता है और आपको सिर्फ उनका वॉइस ओवर हटा के अपना वॉइस ओवर देना है और इसको आप चाहे तो कैनवा में भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में एडिट कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप काइन मास्टर में भी एडिट कर सकते हैं आसानी से। तो अब चलिए ये हमारा डाउनलोड हो गया, अब ये मूवी मैंने देखा नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 मिनट का क्लिप है उसको आप पूरा सुन लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, सबसे पहले आप एडिटर यूज करेंगे और यहाँ पे आप इम्पोर्ट कर लेंगे आपने जो डाउनलोड किया है, ठीक है, इसको आप इम्पोर्ट कर लेंगे और आप पार्ट बाय पार्ट उसका वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे ले आए और सबसे पहले आप देख लें, जैसे IMAX Explained इनका चैनल है तो यहाँ पे आप इसको छुपा सकते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डाल देंगे जो आप कैनवा में करते हैं, जी हाँ सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कोई भी अपना लोगो डाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं इसके ऊपर लोगो डालना चाहूँ तो आप मीडिया में जाएंगे और वहां से इम्पोर्ट करेंगे अपना लोगो, इम्पोर्ट मीडिया फाइल, और मैं आपको दिखा देता हूँ सिम्सॉल्स का लोगो मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है और इसके ऊपर मैं प्लेस
कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आऊंगा और आप लोगो जो ले सकते हैं उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड डाल दें ताकि ये इसे छुप जाए। अब मैं इसको ऊपर प्लेस कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से ताकि ये छुप जाए। ठीक है, ये मेरा पीएनजी में है, इसके पीछे मैं बैकग्राउंड डाल दूंगा और ये छुप जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको छुपा सकते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान। अब चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे 8 मिनट में मूवी को एक्सप्लेन कर दिया गया है और आप लास्ट में जाके देख ले कि इन्होंने लास्ट में क्या डाला है अपना। ये देखिए सब्सक्राइब ये सब आ रहा है, तो ये आप हटा के खुद का डाल सकते हैं, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं लास्ट में। ठीक है, कट करके डिलीट कर दें। चलिए मैं देख लेता हूँ कहाँ तक ये आ रहा है। ये देखिए यहाँ तक है और लास्ट में आप इसको हटा सकते हैं, कट करके हटा दें और आप अपना ऐड कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अब क्या करना है आपको पूरा सुन लेना है और आप इस 8 मिनट को आप देखें, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 7 मिनट, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 1 मिनट के अंतराल में और 1 मिनट को कट कर लें, 1 मिनट का सुने और उसका जो वॉइस ओवर है उसको म्यूट कर दें और अपना वॉइस ओवर यहाँ पे डाल दें। ठीक है, इस तरह से आप 4 पार्ट में इसको कट कर सकते हैं और ताकि आपके लिए आसान हो जाए वॉइस ओवर देना। ठीक है, आप 1 मिनट का सुनेंगे उसका वॉइस ओवर बना लेंगे और फिर आगे का वॉइस ओवर सुनेंगे उसका बना लेंगे और इस तरह से आप 4-5 पार्ट में इसको कट कर सकते हैं और उस हिसाब से इस पे वॉइस ओवर बना सकते हैं। इसका जो वॉइस ओवर है उसको आप डिलीट कर दें, ठीक है, और इसको आप बना लें। और आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्टिंग वॉइस ओवर बनाना है। वॉइस ओवर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वॉइस ओवर बनाने के लिए आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, तो आपको वॉइस ओवर के लिए मोबाइल लेना है और मोबाइल में जाना है टूल्स में। जी हाँ, टूल्स में आप चले जाएंगे और बहुत आसानी से आप वॉइस ओवर बना सकते हैं। टूल्स में आप जाएंगे, रिकॉर्डर यूज करेंगे, रिकॉर्डर पे आप रिकॉर्ड करें, या तो आप माइक लगा लें या फिर ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां से रिकॉर्ड कर लें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड बटन दबाएं और जो आपने सुना है 1 मिनट या 2 मिनट का जो भी वॉइस ओवर था उसको आप अपने दिमाग में रखें और उसी से रिलेटेड अपने आवाज में अपने तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन बना दें। दोस्तों, आज जो आप मूवी देखने वाले हैं, जो एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, ये बहुत ही बेहतर मूवी है। जो भी आगे प्रोसेस बताया गया है वो आप एक्सप्लेन कर दें जो भी आपके दिमाग में, और इस तरह से इसको सेव कर लें और अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इसको भेज लें और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लें वॉइस, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, आप वॉइस एक्सपोर्ट कर लें जो आपका वॉइस है और यहाँ पे आप इसको डाल दें। ठीक है, जैसे कि मैं वॉइस टेक्स्ट लेके यहाँ पे इसको नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वॉइस दे सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप एक मूवी एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं अपने आवाज में, अपने वॉइस में, और कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला है क्योंकि ये आप रियूज, आपको लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो भी इमेजेस आ रहे हैं उसको आप अपने लोगों से छुपा दें। ठीक है, तो इस तरह से इसको रेंडर कर लें और एक्सप्लेनेशन वीडियो बना लें। अब दूसरी चीज, आपको थंबनेल जो बनाना है, बहुत ही इस पर ध्यान दें कि थंबनेल कैसे बनाना है। आप जब देखेंगे कि जो मूवीज में मिलियन में व्यूज हैं, ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो थंबनेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो कि यूजर के दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा करे कि इस मूवी के अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या है, तब क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा होगा और आपका जो व्यू है बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी चीज, आप अपने थंबनेल पे हिंदी में कुछ अच्छा सा एक क्यूरियोसिटी वाला मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप थंबनेल बनाएं और अपने मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को डाल दें और बाकी आप देखें कि क्या वो टैग्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं चलिए आपको दिखा देता हूं, अगर कोई मैं आपको दिखाऊं, 1.5 मिलियन व्यूज है कैश बैक, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा टाइटल है। ठीक है, ये देखिए कैश बैक 206 हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख लें क्या है और आप भी जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है वही डालें जिस तरह से इन्होंने डाला है। और कॉपीराइट यूजर डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ एजुकेशनल पर्पस ओनली, ये पूरा आप कॉपी कर लें और इस तरह से ही आप डालें। ठीक है, इसको आप भूले नहीं। और जो टैग्स है वो भी आप देख लें कि इन्होंने क्या टैग्स डाले हैं, ये टैग्स जो है वो मूवी से रिलेटेड होगा, तो उस तरह से आप भी टैग्स को यूज करें। और यहाँ पे वॉइस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वॉइस को थोड़ा डीप और थोड़ा अच्छे से, दोस्तों आज जो आप मूवी देखने वाले हैं उसमें ऐसा होता है,
तो आप इंटरेस्टिंग वॉइस डालेंगे तो लोग आपके वॉइस को पसंद करेंगे और उसको देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी, हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी, मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी, मूवी हिंदी एक्सप्लेनेशन, स्टोरी एक्सप्लेन मूवी, तो इस तरह के टैग्स डालें और जो मूवी है उसका भी नाम डालें। तो इस तरह से आप काम करें और ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं और मनी अर्न करें। दोस्तों आई होप कि जो भी स्टेप्स मैंने बताया है उसको आपने पूरा देखा होगा, प्रैक्टिकली समझा होगा, उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे हमसे पूछें, चाहे कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड हो या फिर आपका टेक्निकल सवाल हो, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, करियर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, हम सारे सवालों का जवाब देते हैं। और हमारा इंस्टा आईडी sm.solves, उसको फॉलो करें, हमसे इंटरेक्ट करें, हमारे साथ जुड़े रहे और लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। और जैसा मैंने पहले बताया था 3-day वर्कशॉप एफिलिएट मार्केटिंग का, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। उसके अलावा हमारा 5-day वर्कशॉप डिजिटल मार्केटिंग का मोर देन 21,000 लोगों ने ज्वाइन किया है, उसका फायदा उठा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं, अपने करियर को ग्रो कर रहे हैं और लेटेस्ट वर्टिकल जिसमें वो काम कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो SEO एजेंसी हो, चाहे वो अपना बिजनेस ग्रो करना हो, सारा वहां सीख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी मिस ना करें, 5-day डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, नीचे लिंक है, आज ही साइन अप करें। साइन अप करते ही आपके ईमेल पे, SMS पे मैसेज आ जाएगा, उसको क्लिक करें और क्लास को स्टार्ट करें। लिंक नीचे दे दिया है दोनों वर्कशॉप का, दोनों का अटेंड करें और फायदा उठाएं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं विराम देता हूं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में जिसमें आपको सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है नए नए तरीकों से। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।